और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले डिलिमिटेशन की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। दिल्ली में परिसीमन आयोग की बड़ी बैठक हुई, जिसमें फैसला हुआ कि जम्मू डिवीजन में 6 सीटें बढ़ाई जाएंगी और इस फैसले पर महबूबा मुफ्ती ने कड़ा एतराज जताया। विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू की सियासी तस्वीर बदलने वाली। परिसीमन आयोग ने फैसला किया है कि जम्मू डिवीजन में 6 सीटें बढ़ाई जाए, जबकि कश्मीर में 1 सीट की बढ़ोतरी का प्रस्ताव। नए प्रस्ताव के मुताबिक जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 विधानसभा सीटों का प्रस्ताव दिया गया है। इसमें ST के लिए 9 और SC के लिए 7 सीटें रिजर्व रखी जाएंगी। वहीं पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK के लिए 24 सीटें रिजर्व रहेंगी। फिलहाल राज्य विधानसभा में 83 सीटें हैं, जिन्हें बढ़ाकर 90 करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस फैसले पर PDP ने सख्त एतराज जताया है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके कहा है, जनगणना की अनदेखी हो रही है। इस इलाके के लिए 6 सीटें और कश्मीर के लिए केवल 1 सीट का प्रस्ताव देकर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश है। जो प्रपोजल्स डिलिमिटेशन कमीशन ने दिए हैं जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन के हवाले से, वो बिल्कुल उसी चीज़ की अक्कासी करते हैं जो हमारा मौकिफ अव्वल से रहा है, जिसमें हमने ये कहा था कि दाल में कुछ काला है, जिसमें हमने ये कहा था कि ये जो पूरी एक्सरसाइज जम्मू कश्मीर में की जा रही है, ये दरअसल BJP की ईमा पे की जा रही है, उनके कहने पे की जा रही है। उधर BJP का कहना है कि जम्मू कश्मीर का सही परिसीमन होने से अब जम्मू की बराबरी की हिस्सेदारी होगी। पिछले 70 वर्षों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार एक आवाज उठती रही है कि रीजनल इम्बैलेंस यहाँ रहा, और वो सभी बातें हम सब ने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने तथ्यों आधारित वो सारे फैक्ट्स उनके सामने रखे थे। और आज ये रिपोर्ट जो डिलिमिटेशन कमीशन ने और चुनाव आयोग के सहयोग से तैयार की है। दरअसल जम्मू को उसका वाजिब हक दिलाने के लिए लगातार जम्मू से आवाजें उठती रही हैं। कश्मीर की पार्टियां आबादी के हिसाब से हक मांग रही हैं, जम्मू क्षेत्रफल के हिसाब से अपना हक मांग रहा है। ऐसे में नए परिसीमन पर आखिरी फैसला सारे पक्षों को मान्य होगा, इसकी संभावना कम ही नजर आती है। टीम न्यूज़ नेशन।